आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो गेम्स खेलना पसंद करते हैं? और वीडियो गेम्स तो एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा पुराना टर्म हो गया है. बेसिकली वो कंप्यूटर पे हो सकते हैं, वो आपके गेमिंग कंसोल्स पे हो सकते हैं, या वो आपके फोन्स पे भी हो सकते हैं. इनमें से अगर आप किसी भी टाइप से गेम्स खेलते हैं तो मैं उन सारे गेम्स की बात कर रहा हूँ. उन सारे गेम्स को मैं यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर गेम्स या वीडियो गेम्स बोल रहा हूँ. आपने वीडियो गेम्स में एक चीज देखी होगी, शुरू करते हैं जब आप, तो एक बार तो चीजें बड़ी आसान होती हैं, आप जल्दी जल्दी लेवल अप करते जाते हैं. लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आप, थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, और कई बार किसी स्टेज पे, किसी लेवल पे, किसी मिशन पे आप बहुत लंबे समय तक अटके रह जाते हैं. आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो पार ही नहीं होता. फिर आप धीरे धीरे अपना जो लेवल होता है वो अपग्रेड करते हैं. कुछ जो पावर पैक्स होते हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं, वेपन्स होते हैं या अपग्रेड होते हैं, वो आप बाय करते हैं या आप वो एक्वायर करते हैं, और धीरे धीरे आपका जो हीरो है, आपका जो कैरेक्टर है, वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है. और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप वो जो स्टेज थी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी, बहुत मुश्किल लग रही थी, बहुत समय से अटके हुए थे, वो एकदम से पार हो जाती है. और फिर आप कई स्टेजेस एक साथ आराम आराम से पार करते जाते हैं, फिर कहीं आप अटकते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, रुकते हैं, थोड़े अपग्रेड्स मारते हैं, फिर आगे चलते हैं. और अगर आप देखेंगे जब आप थोड़ा लेवल आगे निकल जाते हैं, पीछे की जो स्टेजेस जहां पे आप अटके थे, जहां पे बहुत मुश्किल थी, अगर आप दोबारा उस स्टेज पे जाएं, उसे पार करने की कोशिश करें, अब आप देखेंगे बहुत ही कम समय में, लगभग बिना एफर्ट के आप वो स्टेज पार कर रहे हैं. इतनी सब बातें हम वीडियो गेम की क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि लाइफ भी कोई वीडियो गेम से ज्यादा डिफरेंट नहीं है. जब भी आप कोई काम एक बार शुरू करते हैं, थोड़ी सी चीजें बड़े आराम से हो जाती हैं. इसे लोग बिगनर्स लक भी कहते हैं. या कई बार क्या होता है, शुरू का एंथुसियाज्म ज्यादा होता है तो चीजें थोड़ा सा जल्दी से मूव कर जाती हैं. फिर लाइफ में कठिनाई आती है, लेकिन कठिनाई को अगर आप थोड़ा सा सह लेंगे, अगर आप जुटे रहेंगे, आप अपना काम करते रहेंगे, तो जैसा कि वीडियो गेम्स में होता है, इन कंप्यूटर गेम्स में होता है, आप उस सफिशिएंट लेवल तक अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लेंगे कि आप लाइफ में उस प्रॉब्लम के पार नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे. और ये प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेंगी, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, आप खेलते रहिए, आप इनके पार पाते जाएंगे. और जब आप फिर लाइफ में पुरानी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप सोचेंगे पहले मुझे क्या प्रॉब्लम आई, तो आप देखेंगे वो प्रॉब्लम्स को कितनी छोटी थी और आज आप कितने आराम से उनका हल ढूंढ लेंगे, उनका सलूशन ढूंढ लेंगे. लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप कहीं पे भी रुक गए, कोई स्टेज पे आप अटके और आप क्विट कर गए, तो ये बात पक्की है आप अगली स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे. द सेम इज विद लाइफ. आप तभी तक आगे बढ़ पाएंगे जब तक आप क्विट नहीं करेंगे. जिस भी स्टेज पे, जिस भी पॉइंट पे आपने क्विट कर दिया, कहानी वहीं पे खत्म. तो ये सीख ली है मैंने वीडियो गेम से, कंप्यूटर गेम से. आप भी इस सीख को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखिए. अगर लाइफ में लेवल अप करना है तो गेम तो खेलना ही पड़ेगा. अगर किसी लेवल पे अटक गए हैं, उससे निकलना है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो कीप इन्वेस्टिंग योर टाइम इन योर लाइफ, कीप ओवरकमिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड कीप मूविंग अहेड. बस कहीं रुकिएगा मत, क्विट मत करिएगा. थैंक यू वेरी मच.